प्रभु ईसा ने हमें निस्वार्थ प्रेम करना सिखाया। सर्वोच्च ईश्वर की पुत्र ने हमारे लिए ईश्वर से हमारा मेल कराने के लिए स्वयं को अर्पित किया। इससे बड़ा निस्वार्थता का उदाहरण कोई नहीं हो सकता। हम सदैव अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए खरीदते हैं, पर हम उसमें से थोड़ा सा किसी जरूरतमंद को दें तो उसकी मुस्कान प्रभु ईसा को अत्यंत प्रिय है। हम शब्दों से नहीं, कार्य से प्रभु ईसा के वचन का प्रचार करें। निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। निस्वार्थता हर रिश्ते की नींव होना चाहिए। यह आगे बढ़ने और समृद्धि की जड़ है। उपवास काल में हम प्रभु ईसा से निस्वार्थता के लिए प्रार्थना करें। पवित्र ग्रंथ के अनुसार सब कोई अपना नहीं बल्कि दूसरे के हित का ध्यान रखें।